हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और करवा चौथ से सीधा मैं धनतेरस पे मिल रही हूँ आप लोगों को। आज मैं रेडी हुई हूँ, मैंने साड़ी डाली है काफ़ी टाइम बाद, और ये साड़ी मेरी शादी के टाइम की है। मतलब इसको तब मैंने काफ़ी पहना, अब काफ़ी टाइम बाद पहनी, क्योंकि ऐसे ही मन कर गया। ऑरेंज कलर मुझे बहुत पसंद भी है, तो ये मैंने पहन ली है। अब अरुण आज ऑफिस गए हैं और आज लाइटिंग वगैरह भी लग गई है हमारे यहाँ, और मुझे अब करनी है पैकिंग, क्योंकि जैसे मैंने बोला था मैं दिवाली पे जा रही हूँ घर, तो मुझे अभी पैकिंग करनी है। और कल मैं पहले जाऊँगी स्कूल, स्कूल से मैं आ जाऊँगी 1:30 बजे के आसपास, और उस फिर हम 2 बजे यहाँ से चले जाएंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे 4-5 बजे तक आराम से। इसीलिए हम इस बार बस से नहीं जा रहे, हमने कार इसीलिए बुक करी क्योंकि हमें आफ्टरनून में जाना है। और आज मेरे गले में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, जबकि 2 दिन से मैं बिल्कुल बॉइलिंग वाटर पी रही हूँ। मतलब एक तो ये होता है कि गुनगुना पानी बिल्कुल बॉइलिंग पी रही हूँ, फिर भी हल्का हल्का सा हो रहा है। और रूम में थोड़ा चेंज हो गया, और अभी भी आप देख सकते हो ये दो गुलदस्ते, ये अभी भी ऐसे रखे हुए हैं। इनको हम ले तो आए, बट इनके फ्लावर आ जाने वाले हैं, ऑनलाइन मंगाए थे तो ये अभी हुए नहीं हैं। बाकी रूम में कुछ ऐसी झालर वगैरह या जो बाहर लगती है वो मैंने इसलिए नहीं लगाई, क्योंकि फिर आके वो उतारनी ही पड़ेंगी, देखने वाला तो कोई नहीं है, हम लोग तो चले जाएंगे। पर अरुण ने बाहर घर में तो लगा दी थी लाइटिंग आज सुबह लग के, इसलिए आज वो ऑफिस भी लेट गए। तो मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ एप्पल खाऊँ मैं, और बहुत दिन हो गए थे व्लॉग नहीं करा था, तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, वीडियो नहीं गई थी, तो सोचा आज मैं व्लॉग कर लेती हूँ और मैं आप लोगों को तैयारियाँ भी दिखा दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मेहंदी, ना मेरे पास थोड़ी सी कीप रखी है, तो थोड़ी सी मेहंदी मैं दोबारा लगा लेती हूँ इसी के ऊपर, पर पहले मैं एप्पल खाऊँगी उसके बाद करूँगी ये वाला काम। शाम तक वो डार्क भी हो जाएगी, थोड़ी सी है, थोड़ी बहुत ही लगेगी, ज़्यादा शायद ना भी लगे, बट मन कर रहा है तो सोच रही हूँ लगा ली है तो लगा रही हूँ, वरना तो कोई बात ही नहीं थी। नेल पेंट भी लगा लूँगी, 12:30 के आसपास हो रही है, मैं सोच रही हूँ शाम तक ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, मेरी पैकिंग और जो मुझे तैयारियाँ करनी है। और हम वैसे दिवाली पर वो चांदी का सिक्का भी लाते हैं, और मैं पर इस बार मैंने मम्मी को ही बोल दिया कि आप मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि मैं वहीं से जब इस बार मम्मी मैं जा ही रही हूँ, तो वहाँ की चांदी तो वैसे भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैंने उन्हीं से ही बोल दिया मम्मी मेरी ले आएंगी। तो मेरे छोटे भाई को भी पता भी नहीं है कि मैं दिवाली पर आ रही हूँ, वरना मैं दौज पर तो हमेशा ही जाती हूँ, बट दिवाली पर उसको आइडिया नहीं है। हर साल क्या, 3 साल से तो वो अकेले दिवाली मना रहा है, ये मेरी भी 3 साल बाद की दिवाली है जो मैं अब घर पे मना रही हूँ, तो मैं उसको सरप्राइज़ करूँगी, पापा को सरप्राइज़ करूँगी, और मम्मी को तो पता है, मम्मी को पता रहता है। तो कल हम शाम तक पहुँच जाएंगे, मम्मी भी अभी मार्केट जाने वाली हैं कुछ सामान सा लेने, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं खाऊँ एप्पल और उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। जा रही हूँ, तो मुझे धनतेरस को ही बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, और नेक्स्ट डे मैं स्कूल करके अपने घर गई थी, उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, बट जैसे मेरा प्रोग्राम फिक्स था तो मुझको जाना ही था। हम लोग लगभग 3 बजे करीब निकले थे, ऑलरेडी लेट हो गए थे, बट फिर भी इंजॉय कर रहे थे। पर हाँ, काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे, और जहाँ हम 6 बजे पहुँच सकते थे वहाँ हम लोग पहुँचे थे 8 बजे, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी।
मोमबत्ती। हाय के मिठाई के यहाँ कौन सा लोटा ढूंढ रहे हैं। रख लो रख लो, ये तुम्हारे हैं बता तो रहा हूँ, रखो ये ना मिला जो। अच्छा बोना हाँ तो अब तैयारी हो रही है मेरी पूजा की। चौकी मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं लगाई थी क्योंकि इस वक्त भी ये नेक्स्ट डे है जिस दिन दिवाली थी, और थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि मेहमान भी थोड़े से आ रहे जा रहे थे, तो इसकी वजह से मैं उनके सामने कुछ मैंने फैलावा नहीं फैलाया। बाहर होगा
यही देखते हैं, ऐसे कर उसे ऐसे कर।